छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों को मौत की सजा दी है। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर जन अदालत में पेश किया गया, जहां सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों को फांसी पर लटका दिया। वहीं एक छात्र को सुरक्षित छोड़ दिया गया है। नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने दो दिन पहले जप्पे मरका गाँव के ग्रामीण माड़वी सूजा और पोड़ियाम कोसा का अपहरण किया था। इसके अलावा मीरतूर के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले भी अपहरण किया था। वहीं इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय पचौरी, क्या है मामला पूरा? जी नीतीश कुमार, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक्शन मोड पर है और लगातार मुठभेड़ों में नक्सलियों को मार गिराया, जिससे मौका अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए लगातार जो है ग्रामीणों को मौत के घाट उतार रहे। आज भी बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया के जम्पे मरका जो इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों ने जन अदालत लगा करके ग्रामीणों के सामने ही एक बुजुर्ग और एक युवक को मौत की सजा सुनाई और उन्हें वहाँ तत्काल प्रभाव से सभी के सामने फांसी पर लटका दिया और वहीं एक छात्र को जो है छोड़ दिया गया है। मैं बता दूं कि लगातार जो है इन इलाकों में मुठभेड़े हो रही है, मुठभेड़ों में जो नुकसान हो रहा है और नक्सली जो ग्रामीण है उनके ऊपर मुखबिरी का आरोप लगाकर हमेशा ही मौत के घाट उतारते आए हैं। और बीजापुर जिले में जिस इलाके में ये घटना हुई है, घटना के बाद में पूरे गांव में दहशत का माहौल देखा गया है। हालांकि नक्सलियों ने तीन दिन पहले एक ग्रामीण और दो छात्रा को अगवा किया था, उसके बाद दो दिन तक पूछताछ करने के बाद उन्होंने जन अदालत लगाई, ग्रामीणों को बुलाया और ग्रामीणों के सामने उन्हें सजा दी है, तो कहीं ना कहीं अपनी दहशत बरकरार रख रही है नक्सली, किस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी, और शासन प्रशासन के द्वारा क्या पहल किया गया है इसको लेके? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज पर्चा चिपकाया है उसमें नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगा के हत्या करना बताया है और जिस प्रकार से इसकी घटना की जब जानकारी मिली है, पुलिस उस गांव में पहुंच करके जो नक्सली है उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। जी अच्छा, और उनके साथ जो एक छात्र जो उनको छोड़ दिया गया, जिस छात्र को, उसने क्या कुछ जानकारी दी इसके बारे में? जी बिल्कुल, अभी जिस छात्र को छोड़ा गया है उस छात्र से पुलिस जो है पूछताछ करेगी। हालांकि अभी वो छात्र जो है सहमा हुआ है, किसी से बात करने की स्थिति में अभी वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पुलिस धीरे से जो है इनसे छात्र से पूछेगी क्या कुछ मामला हुआ, क्या क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, कैसे इसको सजा दी गई है, तो वो युवक जो है बाकी चीजें जो है अभी जो छोड़ा गया है तो उसको दहशत इसलिए बात नहीं कर पा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय पचौरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।